जज्बा हुब्बे वतनी में सरशार नजर आ रहा है। सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी रह गए हैं, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं 73वें जश्न आजादी में, और इस हवाले से हर कोई तैयार है, अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त शहर की अहम शाहराहों के ऊपर मौजूद हैं और बैनर्स उठाए हुए हैं, प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी परचम उठाए हुए हैं और अपने अपने तरीके से इस तैयारी का और खुशी का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इमरान यूनस का। इमरान, आप इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनासिर देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? मुल्क के 73वें जश्न आज़ादी को मनाने के लिए जिस किस्म की तैयारियां आपने बताई हैं कि शहरी जो हैं वो किस तरह इस जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियां जारी रखे हुए हैं, ऐसी ही सूरत हाल जो है वो मुझे इस वक्त लिबर्टी में नज़र आ रही है, जहां पर शहरी तो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन इस मरतबा सरकार ने भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट जो हैं वो शहरीों की खुशी के लिए किए हैं। मतलब सरकार भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लिबर्टी के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर MCL की जानिब से स्पेशली बकायदा तौर पर यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है उसके अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं, जिस पर मिली नगमे जो हैं वो चलाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्पेशली आज यहाँ पर बकायदा तौर पर फ्लैग होस्टिंग जो है वो की जाएगी। 50 फुट हाइट पर कौमी परचम जो है जिसका साइज जो है वो 30x45 बताया जा रहा है, उसकी परचम कुशाई जो है वो की जाएगी और उसी वक्त यहाँ पर बकायदा तौर पर आतिशबाजी जो है वो की जाएगी। इसके साथ सोने पर सुहागा जो है वो ये भी ले लें कि इस मरतबा जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीरी झंडे जो हैं वो भी आपको जगह जगह पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पोल्स पर मैंने देखा है बकायदा तौर पर बड़े दो झंडे जो हैं वो बकायदा तौर पर यहाँ पर जिनके फ्लैक्सेस यहाँ पर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान का झंडा है और इसके साथ साथ कश्मीर का झंडा है। MCL के इंतजाम के हवाले से मैं बता रहा था, बकायदा तौर पर मेरे पीछे आप बैंड भी देख रहे हैं जो कि जब फ्लैग होस्टिंग होगी यहाँ पर बैंड पर भी भरपूर तरीके से मिली नकमे जो हैं वो भी बयान किए चलाए जाएंगे। इस वक्त साथ जानेंगे हमने देखा है, खासकर इंतजाम जो है वो देखने में सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन इंतजाम के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग पूरी कौम जो है मेरे ख्याल से एक किस्म की फतह का दिन है कि हम अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के एक पेंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं और कामयाबी हासिल हुई है। एक तो उसकी सेलिब्रेशन भी है, दूसरा कश्मीर का वज़ीर आज़म साहब ने नया पॉलिटिकल मैप आवेज़ा किया है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है और ओवरऑल यौम आज़ादी एलान लाहौर आपको पता है बड़ा पुरजोर मनाने का हमेशा से इनको शौक रहता है, तो उसी सिलसिले में भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पे हमने ये सारा इवेंट अरेंज किया है जिसमें म्यूज़िक नाइट भी है और 50 फुट ऊंचा झंडा जो है यहाँ पे चौक में परमानेंट जो है वो हमने प्लेस कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे फायरबॉक्स होगा, तो एक सॉर्ट ऑफ फेस्टिविटी है जो हमने लिबर्टी राउंड अबाउट में क्रिएट की है। जबरदस्ती हमारी आवाम को इसी चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली अगर बात करें कोरोना वबा के हवाले से, आवाम जो है वो घरों में रहकर काफ़ी थक चुकी है, बहरहाल इंटरटेनमेंट जो है वो भरपूर यहाँ पर नजर आएगी। आपको वक्तन फवक्तन हम यहाँ की सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे और जिस तरह ज़ीशान राजा ने बयान किया कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से नया नक्शा बनाया गया है जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो करार दिया गया है, वो भी बाकायदा तौर पर यहाँ पर आवेदा किया गया है। जैसे जैसे यहाँ पर इंतजाम जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे हम आपको उनसे आगाह करते जाएंगे। जी इमरान जूनस ने हमें जैसा कि बताया है कि इस वक्त जोशो जज्बा जो है वो आवाम का उरूज पर है। अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे मनाजिर देख रहे हैं? बच्चे क्या बूढ़े सब यहाँ पर काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और जश्न आजादी की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पर शॉपिंग कर रही है, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, जश्न आजादी का मौका है, बच्चों के साथ आप शॉपिंग के लिए निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आजादी तो ठीक है, अब कपड़े लेने के लिए इतने खुशी से आ रहे हैं लेकिन कपड़े इतने महंगे हैं। आजादी तो मिल गई है लेकिन कपड़े महंगे मिल रहे हैं, लेकिन अब खरीद नहीं सकते, इतनी पसली नहीं है हमारी कपड़े लेने की। अब एक शर्ट लेनी है, शर्ट के इतने इतने पैसे बता रहे तो क्या करें, सारी तनख्वाह इधर ही लगा दें तो आज़ादी से अच्छा हम ऐसे ही कर बैठ जाए। तो थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए, देखना चाहिए कि आज़ादी का दिन है, थोड़ा सा रियायत होना चाहिए, सारे कपड़े पहनने के लिए सब पहन लें।
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने इनसे जाना ये तो थोड़े महंगाई के हाथों काफ़ी सर परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जो कि जश्न आज़ादी को एंजॉय करने के लिए चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और सभी की कोशिश है कि खूबसूरत लबास खरीदे जाएँ और इसके साथ साथ जश्न आज़ादी के यहाँ पर सजावट का जो सामान है उसके भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं और वो भी खरीदे। हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहना चाहेंगे, जश्न आज़ादी का मौका है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इनकी बात को लेके चल रहा हूँ कि महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई जो सेल कर रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि भी महंगाई ज़्यादा है। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी के हवाले से बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग कि बाहर घूमने चूमने आए हैं, देख के अच्छा लग रहा है कि जश्न आज़ादी हमारी आज़ादी है, तो बस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। आज बिल्कुल लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ सामान खरीद रहे हैं और स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, सभी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और तकरीबन थोड़े ही घंटे बाकी रह गए हैं चूँकि जश्न आज़ादी का मौका है और हर फर्द यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। और कोई यहाँ पर झंडे खरीद रहा है, तो कोई झंडियाँ खरीद रहा है, तो कोई यहाँ पर लिबास खरीद रहा है कि 14 अगस्त के हवाले से पहना जा सके फैमिली के साथ। अली रज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, यकीन जोश व जज्बा जो है वो उरूज पर है और इस वक्त हमें साथ ही ज्वाइन किया हुआ है ज़ैन मदनी हुसैनी ने भी, उन कर लेते हैं। ज़ैन बताएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहां पर कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं यहां पर? ज़ैन मदनी से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। आपको बताएं कि हर जानिब जो मंचले हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और आमिर इस दफा स्टॉल्स भी लगाए गए थे, खास करके जो बच्चे होते हैं वो जश्न आज़ादी को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं और उनको फ्रॉक्स चाहिए होती हैं लड़कियों को, इसी तरह लड़कों को हैट्स खास किस्म की बनी होती हैं और फिर चूड़ियां, मैचिंग पोनियां और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन इसके अलावा जो मंचले हैं बड़े भी बेशक हो जाएं तो जो फैमिली के साथ लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं वो भी ये मनाजिर जो है वो काफी दीदनी है। बिल्कुल रिदा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप बचपन में क्या करती रही हैं, लेकिन दोबारा से ज़ैन मदनी से हमारा रब्ता एक दफा बहाल हो चुका है। ज़ैन मदनी का रुख कर लेते हैं। ज़ैन बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान, जो आज़ादी फ्लाई ओवर है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रात को 12 बजते ही यहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा जो है वो किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान को मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ मीनार पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा व्यू जो है वो हमारे नाजरीन को दिखाएं कि किस तरह से मीनार पाकिस्तान में जो है वो सब तरह की जो है वो लाइट्स लगा कर जो है वो इस वक्त बड़ा ही दिलकश नज़ारा है। मीनार पाकिस्तान में इस वक्त शहरियों का दाखिला जो है वो तो बंद कर दिया गया है, लेकिन रात के 12 बजते ही ठीक है। ज़ैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और इमरान यूनुस भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियाँ इस वक्त जोश व खरोश से की जा रही हैं और हर तरफ बरकी कुमकुमों हमारे जैसा कि अकब में नाज़रीन भी सुन सकते हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं और बहुत खासा शोर है और हर कोई अपने तरीके से जश्न आज़ादी का, इस खुशी का इजहार कर रहा है।